नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां निवेश के नाम पर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़प लिए। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा ने बताया कि रीना पति रमेश तलरेजा ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके स्वर्गीय पति रमेश तलरेजा की जमा पूंजी 9 लाख रुपए उनके अकाउंट में थी, लेकिन गोविंद बत्रा और उनके बेटे यश ने उन्हें ये पैसा निवेश करने के लिए बोला और कहा कि इस पेज का निवेश करने पर उन्हें मोटा मुनाफा होगा। ये लालच देकर उनका पैसा ले लिया और कहीं निवेश भी नहीं किया। जब महिला रीना ने अपने निवेश किए हुए रुपए के लाभांश की मांग की तो वो आनाकानी करने लगे। लंबे समय से वो ना तो रुपए वापस दे रहे हैं, ना ही उसे रुपए का लाभांश दे रहे हैं। परेशान होकर महिला रीना ने थाने पर पिता और पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सर, राजेंद्र नगर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला? कल दिन में एक राजेंद्र नगर थाने के अंतर्गत फरियादिया रीना तलरेजा, इनके द्वारा दो लोगों के ऊपर जो विनय नगर आरटीओ रोड इंदौर के गोविंद बत्रा और यश, इनके विरुद्ध धोखाधड़ी का एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। इसका मजमूल इस प्रकार से है कि आरोपी गोविंद मिश्रा और उनके लड़के ने आवेदिका को विश्वास में लेके जो सेविंग का उनका रुपया था उसका इन्वेस्टमेंट का कह के उनको उसका लाभ नहीं दिया और वो पैसा जो है वो हड़प लिया, तो उसको लेकर के ये जो आवेदिका है इनके द्वारा रिपोर्ट की गई, जिसके बाद इसमें धोखाधड़ी का प्रकरण पंजीबद्ध किया। सर, कितने रुपये की धोखाधड़ी? करीब 9 लाख रुपये की धोखाधड़ी जो है वो करना सामने आया है। गिरफ्तारी हुई? इसमें आरोपी को पुलिस ने राउंड अप कर लिया।